Sri Harin Pathak. Question number 141. Madam Speaker, A to F, a statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आदरणीय गृहमंत्री भी जानते हैं कि गुजरात सौभाग्यशाली है कि देश का सबसे बड़ा समुद्री तट 1640 किलोमीटर गुजरात में है. साथ साथ हमारी तकलीफ ये भी है कि गुजरात एक संवेदनशील राज्य है. 512 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर भी गुजरात में है जो पाकिस्तान से सटा हुआ. ज्यादा समय न लेते हुए हम सबको मालूम है कि जब जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस देश पर आतंकवादी हमले होते हैं तो इसी रूट का उपयोग किया जाता है. पिछली बार भी जब मुंबई में बहुत बड़ा कांड हुआ, कसाब वगैरह जो आए वो कुबेर नाम की गुजरात मुगलों की बोट के लोगों को पकड़ करके ले गए. गुजरात सरकार कोस्टल गार्ड और बीएसएफ की वाटर विंग के साथ मिल करके इस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके इन्हें रोकने का प्रयास करती है. गुजरात और देश की सिक्योरिटी को बचाने का प्रयत्न करती है. दिनांक प्रश्न पूछिए. मैं उसी पर आता हूं. गुजरात सरकार ने 392.7 करोड़ का मई में 2005 में एक स्कीम भेजी थी जिसमें आपने प्रत्युत्तर दिया है कि हमने मांग की थी कि हमें 51 कोस्टल पुलिस स्टेशन सैंक्शन किए जाए. उसके बदले में सरकार ने जवाब में 10 दिए. देखिए, पूरे देश की सीमा की, देश की सुरक्षा का सवाल है, गुजरात का नहीं है, क्योंकि वहां से ही आईडीएक्स पहले जाया करता था. अगेंस्ट 51 कोस्टल पुलिस स्टेशन डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ओनली 10 हैव बीन सैंक्शन. 76 हमने आउटपोस्ट मांगी थी, प्रत्युत्तर में दिया गया है कि 46 उन्होंने, सरकार ने मान्यता उसको मंजूर किया है. बोट्स, ये बोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने 30 मांगी थी, सिर्फ 2 दी गई है. हमने एक और व्यवस्था की क्योंकि वहां का जो रण प्रदेश है, डिजर्ट है, वहां केमल के जरिए हम देखभाली करते हैं अपनी देश की सुरक्षा की. कृपया प्रश्न, तो हमने मेरे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. जी हाँ, मगर प्रश्न पूछिए. मैं उसी पर आ रहा हूँ. पहले जो फिगर दे दू, जो मंत्री जी ने दिए हैं वो बहुत हमें वही चाहिए. वही मेरा प्रश्न होगा. एक प्रश्न, हमने 53 कैमल्स मांगे हैं और 106 कैमल राइडर मांगे हैं. मुझे दुख, और 90 वॉच टावर्स बनाना चाहते हैं. मैं उनसे यही जानना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी से कि सरकार ने जो मांगा है, एक ही वाक्य में कहूंगा कि ये सिर्फ गुजरात सरकार के साथ संबंधित मांगे नहीं है, पूरे देश की सिक्योरिटी के साथ मांगे हैं. क्या आप ये सारी मांगे पूरी करेंगे, और करेंगे तो कितने सालों में करेंगे, कब करेंगे? मैडम, फेज वन ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम had a total approved outlay of 371 crore. Now that's the money made available by the Ministry of Finance, which we have to allocate. In allocating 371 crore, the highest allocation has been to Gujarat at 58.42 crore. Now I agree that's not enough, but equally it's not enough for other states as well. Whatever money has been made available under phase one has been allocated to Gujarat. This year again, we are working on a phase two. If money is provided, as I believe it will be provided, more allocation will be made to Gujarat. We are not discriminating against Gujarat. In fact, if anything, Gujarat has the highest share among all the coastal states in the money provided to the Ministry of Home Affairs. Now, as far as police stations are concerned, we sanctioned 10. Gujarat has indeed made all 10 operational, and I compliment Gujarat for that. But we sanctioned 46 outposts. Honorable member says he wanted 76 outposts. We have sanctioned 46.
Not one has been made operational until today. We sanctioned 25 checkposts. Not one has been made operational until today. Therefore, we are not blaming anyone. All that we are trying to say is, before you ask for more, you should operationalize what has been sanctioned, draw the money and make it functional. Ma'am, we are not discriminating against any state. We are willing to support the states, but the states must draw the money and operationalize what has been sanctioned so far. As far as camels are concerned, ma'am, I thought I should ask him to provide camels. He should not ask me to provide camels. Yes, your second, yes. मैं इसका जवाब मंत्री जी को भेज दूंगा कि सरकार ने इन कार्यों के लिए क्या कार्रवाई की है. आपको शायद आप जानते हो, आप तो वित्त मंत्री रह चुके हो, बजट के पैरा 65 में 2,284 करोड़ रुपये इस वर्ष एडिशनल कोस्टल सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं. आपने शायद कहा, मैं आपको फिगर देता हूं, 2,284. सरकार ने इसके साथ साथ एक दूसरी स्कीम जो कि छोटी है वो उन्होंने आपके सामने 2009 में भेजी है. वो स्कीम में हमने 12 कोस्टल पुलिस स्टेशन और मांगे हैं और 17 कोस्टल आउटपोस्ट केंद्र से मांगी है. मैंने कहा वैसे सरकार ने जो कार्यवाही की है, मैं आज ही आपको उसके सारे प्रत्युत्तर जो जो किया है वो भिजवा दूंगा. ये फेज सेकंड का भी कार्य आप कब तक पूरा करोगे? As I've already said that when we drop phase 2, we will take note of Gujarat's requirements. श्री पीपी चौहान. मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, हमारे समुद्री सीमा में से भी हमारे मछुआरों को पाकिस्तानी एसआईएस एजेंसी के लोग बहुत सहित उन्हें बोट सहित उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं. दूसरा प्रश्न मेरा यह है, पाकिस्तान के पास अत्यंत आधुनिक बोट है. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार गुजरात को जो बोट देने वाली है क्या वह भी अत्यंत आधुनिक है? और तीसरा प्रश्न मेरा यह है, एक ही प्रश्न पूछिए आप. यस, आपने पूछ लिया अत्यंत आधुनिक बोट देने वाली है. ऑनरेबल मिनिस्टर, आपने पूछ लिया. ऑनरेबल मिनिस्टर. मैडम स्पीकर, द फिशरमैन क्वेश्चन इज अ सेपरेट इश्यू. इफ इट इज ट्रू दैट फिशरमैन फिशिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात आर समटाइम taken prisoner by the Pakistani authorities. Likewise, fishermen fishing off the coast of Tamil Nadu are taken prisoner by the Sri Lankan authorities. And then we negotiate and we bring them back. So the question should really be put to the Ministry of External Affairs and they will give you the full details. As far as the boats are concerned, we have sanctioned for Gujarat 20 12-ton boats and 10 5-ton boats. These have been manufactured in the Goa shipyard, GSL. There's another shipyard which manufactures boats for some other states, the GRAC. As and when these boats are ready, we deliver them. We have so far delivered 6 5-ton boats, one of them to Gujarat, and 5 12-ton boats, one of them to Gujarat. We will complete another 24 boats. We will complete delivery of 24 boats by 31st of July and we will complete delivery of another 59 boats by the 30th of September. It is a well laid out schedule. We have compressed the delivery time by 6 months and both shipyards are building the boats at a rapid pace. As and when the boats are ready, they will be delivered according to an agreed schedule. Gujarat will ultimately get 20 12-ton boats and 10 5-ton boats. These are modern boats.